एक नॉन लीनियर मॉडल के रिजल्ट्स को आप यूं एस्टीमेट करें या जेन में यूं लेकर आएं कि जैसे आपके पास एनालिसिस रन हो चुका है और आपके पास अब ये सॉफ्टवेयर में ऑप्शन अवेलेबल है कि जो मेंबर क्रैक कर चुके हैं सॉफ्टवेयर आपको वो डिफरेंट कलर्स में दिखा दे, जो मेंबर यील्ड कर चुके हैं वो डिफरेंट कलर्स में दिखा दे, जो मेंबर अभी क्रैकिंग से भी पीछे हैं अबाउट टू क्रैक हैं वो भी दिखा सकता है। सो आप इस तरह की डिफरेंट विजुलाइजेशंस सॉफ्टवेयर से हासिल कर सकते हैं जो रेडिली अंडरस्टैंडेबल होंगी, ठीक है। यानी एक तो यानी न्यूमेरिकली रिजल्ट्स आपके पास आ जाएंगे ना, लेकिन एक आपके पास ग्राफिकल रिजल्ट्स भी उसके रेडिली अंडरस्टैंडेबल रिजल्ट्स आ जाएंगे। मैं अक्सर इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि लेट्स से आपके पास ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है जो आपने इनपुट दिया हुआ है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर ने एनालिसिस रन किया और बताया कि किसी ख़ास मेंबर जिसको ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दी गई थी उसमें जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो इधर पहुंच चुकी है, इस कर्व के ऊपर अगर प्लॉट की जाए वो वैल्यू तो वो पीक से आगे जा चुकी है। तो इसका मतलब है आपको स्ट्रेट अवे पता चल गया कि ये मेंबर फेलियर हो चुका है इसका, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आपको लीनियर मॉडल के रिजल्ट्स में नहीं मिलेगी। लीनियर मॉडल के रिजल्ट्स में क्या मिलेगा कि आपने असल में तो मटेरियल को स्ट्रेट लाइन आइडियलाइज किया हुआ है, ठीक है। सो आपको ये मिलेगा कि बस आपका अब जो अभी इस वक्त स्ट्रेस की वैल्यू है सिग्मा की वो ये है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन ये है, ठीक है। सो आप खुद हिसाब लगा लें अभी कि लीनियर मॉडल के रिजल्ट्स कैसे दिखेंगे और नॉन लीनियर के कैसे दिखेंगे। लीनियर मॉडल में पता चल जाएगा कि ये स्ट्रेस डेवलप हुआ अप्लाइड लोडिंग की वजह से और उससे ये स्ट्रेन डेवलप हो गया, लेकिन असल में तो वो मटेरियल वो स्ट्रेन डेवलप कर ही नहीं सकता था क्योंकि वो उससे बहुत पहले कहीं कर्व नीचे जा रही है। तो नॉन लीनियर मॉडल आपको डायरेक्टली बता देगा कि आप अभी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में कहाँ पर हैं, ठीक है। सो अब अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चरल डिज़ाइन तक डिस्कशन को ले जाएं, बल्कि वो आगे लेके जाएंगे, पहले सिर्फ इसी एनालिसिस या स्टिफनेस तक ही रखें, तो देखें वो क्या चीज़ें हैं जो आपको देनी पड़ेंगी और क्या वो चीज़ें हैं जो सॉफ्टवेयर खुद ही एस्टीमेट कर लेगा। सबसे पहले अगर आप वो हायरार्की जहन में रखें, मटेरियल, क्रॉस सेक्शन, मेंबर और स्ट्रक्चर। मटेरियल लेवल पर अगर आप इलास्टिक मटेरियल की बात करें, चूँकि अभी आज टॉपिक भी हम मटेरियल का ही स्टार्ट करेंगे, तो उसमें ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप देखेंगे आपको देनी होती हैं किसी भी फाइनाइट एलिमेंट प्रोग्राम में इलास्टिक मटेरियल डिफाइन करने के लिए, यानी इलास्टिक एनालिसिस करना है। तो ई देना पड़ेगा, पॉइज़न्स रेशो देनी पड़ेगी, शियर मॉडुलस देना पड़ेगा और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन देना पड़ेगा। अगर इन इलास्टिक मॉडल बनाना है, जो कि अभी हमारा टॉपिक नहीं है, उसमें तो कंप्लीट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देनी पड़ेगी, उसमें ई भी आ गया, सब कुछ आ जाएगा। अच्छा, क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो ए और आई हमने सिर्फ देना है, असल में ये भी नहीं देना, देनी तो बेसिक डायमेंशंस हैं, प्रोग्राम खुद ही कैलकुलेट कर लेते हैं ए और आई वगैरह। और अगर इन इलास्टिक क्रॉस सेक्शन डिफाइन करना है तो फिर क्रॉस सेक्शन लेवल पे जो कि एक्शन डेफॉर्मेशन कर्व बनती है वो देनी पड़ेगी, वो है मोमेंट कर्वेचर कर्व। लास्ट क्विज में भी आपने देखा कि एक कर्व है जो मोमेंट और यानी क्रॉस सेक्शन पे आने वाले एक्शन और क्रॉस सेक्शनल डेफॉर्मेशन इनको रिलेट करती है और ये नॉन लीनियर होती है, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नॉन लीनियर होती है। तो यूं समझ लें कि ये क्रॉस सेक्शन की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है जो अगर आप देंगे तो आपने असल में उस क्रॉस सेक्शन को नॉन लीनियर बना दिया। और हिस्टोरेटिक बिहेवियर ये है कि अगर किसी भी अप्लाइड लोडिंग से ये रिवर्स होता है तो उसका रूल क्या होगा, कैसे किस स्टिफनेस पे ये रिवर्स होगा, फिर रीलोड किस स्टिफनेस पे होगा, तो ये चीज़ बताना, इसको कहते हैं हिस्टोरेटिक बिहेवियर, कि साइक्लिक बिहेवियर क्या होगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ साइक्लिक बिहेवियर। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में भी आपको ये चाहिए कि अगर अप्लाइड लोडिंग अपनी डायरेक्शन सडनली चेंज कर लेती है तो आपके स्ट्रेसेस रिवर्स हो जाएंगे, तो वो अनलोड कैसे होगा, मटेरियल किस स्टिफनेस से अनलोड होगा। अगर आपने ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दी है स्टील की तो अनलोड यूं होगा या यूं होगा, कैसे होगा, और फिर रीलोड कैसे होगा,
वो रूल भी आपको बताना पड़ता है प्रोग्राम के अंदर। लेकिन अभी हम चूंकि इलास्टिक पे फोकस कर रहे हैं तो बस आप बेसिक प्रॉपर्टी देखते जाएं। मेंबर लेवल पे लेंथ चाहिए सिर्फ, वो जब आप ड्रॉ कर रहे होंगे ज्योमेट्री सॉफ्टवेयर में तो वो लेंथ ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे पास आती जाएगी, सॉफ्टवेयर के पास आती जाएगी। सो यू कैन जस्ट ड्रॉ मेंबर्स और ये प्रॉपर्टी आप देते जा रहे हैं। अगर इन इलास्टिक बनाना है मेंबर्स को डायरेक्टली, तो फिर कंप्लीट मोमेंट रोटेशन कर्व और उसका साइक्लिक बिहेवियर ये डिफाइन करना पड़ेगा। मोमेंट रोटेशन कर्व ये है कि अप्लाइड मोमेंट कितना होगा आपके बीम पे, कॉलम पे, किसी मोमेंट, किसी एलिमेंट पे, और उससे जब वो मेंबर बेंड होगा, उस बेंड शेप की, डिफ्लेक्टेड शेप का जो आप टेंजेंट लेंगे उसका हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है वो रोटेशन है। तो बेसिकली रोटेशन मेंबर लेवल की डेफॉर्मेशन है। तो ये मोमेंट रोटेशन ऐसे ही है जैसे मटीरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो जब मेंबर को नॉन लीनियर बनाना है तो कंप्लीट मोमेंट रोटेशन कर्व जो कि नॉन लीनियर होगी ये सॉफ्टवेयर में इनपुट डालनी पड़ेगी, ठीक है। सो अब आपको ये पता चला कि नॉन लीनियर मॉडल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इनपुट्स डालनी पड़ती हैं, हर लेवल के ऊपर सॉफ्टवेयर को बताना पड़ता है कि ये यील्ड पॉइंट होगा, इससे ज़्यादा मोमेंट नहीं बढ़ सकता, ये अल्टीमेट पॉइंट होगा, ये ड्रॉपिंग पॉइंट होगा, पूरी कर्व देनी पड़ती है। एक अप्रोच ये है नॉन लीनियर मॉडलिंग में जिसको फाइबर मॉडलिंग कहते हैं, उसमें आप मटेरियल को नॉन लीनियर बना देते हैं और फिर खुद ही सॉफ्टवेयर उससे मेंबर क्रॉस सेक्शन और मेंबर के कर्व्स डिराइव कर लेता है। क्योंकि देखिए असल नॉन लीनियरिटी देखा जाए तो है तो मटेरियल की ही, मटेरियल ही की नॉन लीनियरिटी है जो क्रॉस सेक्शन को नॉन लीनियर बना रही है, जो मेंबर को नॉन लीनियर बना रही है। तो एक अप्रोच ये है कि आप फंडामेंटल लेवल पे यानी मटेरियल लेवल पे उसको एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दे दें और क्रॉस सेक्शन और मेंबर लेवल्स पे वो खुद ही मैनिफेस्ट हो जाए वो नॉन लीनियरिटी। दूसरी अप्रोच ये है कि मटेरियल को नॉन लीनियर ना बनाएं लेकिन क्रॉस सेक्शन लेवल पे इस हायरार्की में इंटरफियर कर दें, ठीक है। यानी हायरार्की क्या है, मेंबर मटेरियल स्टिफनेस, क्रॉस सेक्शन स्टिफनेस, मेंबर स्टिफनेस और फिर स्ट्रक्चर स्टिफनेस। तो ये 1, 2, 3, 4 में 1 को छोड़ दें, 2 पे डायरेक्टली आप ये मोमेंट कर्वेचर कर्व, ये वाली 2 के ऊपर ये है ना, तो ये वाली जो कर्व है ये इनपुट करवा दें, मटेरियल को फिर इलास्टिक ही रहने दें। और फिर एक अप्रोच क्या हो सकती है कि 1 और 2 को भी छोड़ दें, 3 पर डायरेक्टली मोमेंट रोटेशन कर्व इनपुट करा दें सॉफ्टवेयर में, ये भी एक अप्रोच है नॉन लीनियर मॉडलिंग की। तो यूँ समझ लें कि फर्स्ट अप्रोच जो थी फाइबर मॉडलिंग जिसको मैं कह रहा था, उसमें आप मटेरियल को समझ लें कि अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, उसको नॉन लीनियर कर देते हैं और फिर वो खुद ब खुद मैनिफेस्ट होता है इफ़ेक्ट अगले लेवल्स में। दूसरी अप्रोच में मटेरियल को इलास्टिक ही छोड़ देते हैं लेकिन नंबर 2 पे क्रॉस सेक्शन को फोर्स कर देते हैं कि वो नॉन लीनियर बिहेव करें, उसमें आपको ये कर्व इनपुट देनी पड़ेगी। और उस इसको इनपुट देने का एक तरीका है, वो तरीका ये है कि आप सॉफ्टवेयर में अपने स्ट्रक्चर में कुछ स्पेशल एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करते हैं जिनको प्लास्टिक हिंजेस बोलते हैं, उन हिंजेस को ये कर्व दे देते हैं। फिर को एक तरीका है ये बताने का कि ये क्रॉस सेक्शन नॉन लीनियर है। और फिर तीसरी अप्रोच ये हो सकती है कि 1 और 2 को भी छोड़ दें, डायरेक्टली मेंबर लेवल पे मोमेंट रोटेशन कर्व इनपुट दे दें, डायरेक्टली प्रोग्राम को ये बता दें कि ये बीम ओवरऑल मोमेंट में और रोटेशन में यूँ बिहेव करनी चाहिए। वो कर्व आप जब दे देते हैं तो आप डिफाइन करवा देते हैं, ठीक है। सो ये थर्ड अप्रोच हो जाएगी नॉन लीनियर मॉडलिंग की कि आप मेंबर को डायरेक्टली नॉन लीनियर कर दें, उसके पिछले दोनों लेवल्स को इलास्टिक ही रहने दें। हर एक सूरत में आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो नॉन लीनियर आएगा, फ़र्क सिर्फ ये है कि आप किस लेवल पे इस प्रोसेस में एंटर हो रहे हैं, इंटरफियर कर रहे हैं, नॉन लीनियर बना रहे हैं उसको। तो ये जो मैंने एक इन्फोग्राफिक आपको लास्ट दिखाया था, ये वाला, इसमें जैसे मैंने बताया था ना कि मटेरियल भी लीनियर नॉन लीनियर हो सकता है, सेक्शन भी नॉन लीनियर, सेक्शन स्टिफनेस भी लीनियर नॉन लीनियर हो सकती है और मेंबर स्टिफनेस भी लीनियर नॉन लीनियर हो सकती है और उससे रिजल्टिंग स्ट्रक्चर स्टिफनेस भी लीनियर नॉन लीनियर हो सकती है। अब मैं ये देखें आपको दिखा रहा हूँ ना यहाँ पे कि हो सकता है कि मटेरियल आप लीनियर ही रखें लेकिन आगे क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टीज़ में नॉन लीनियरिटी डाल दें थ्रू मोमेंट कर्वेचर कर्व, एम फी कर्व।
तो भी आपने इस प्रोसेस में इन इलास्टिक एक्शन घुसा दिया। और एक तरीका ये हो सकता है, इवन आप इसको भी लीनियर ही रखें, अगले लेवल पे मेंबर ज्योमेट्री जहाँ पर इनपुट दे रहे हैं वहाँ पे उसकी लेंथ के साथ आप मोमेंट वर्सेस रोटेशन कर्व दे दें, तो ये फिर भी आप उसी प्रोसेस में नॉन लीनियरिटी आपने इन्वॉल्व कर दी। ठीक है, सो आप यूँ समझ लें कि ये जो क्रैकिंग फिनोमेना, क्रशिंग फिनोमेना, अल्टीमेट फेलियर, ये सारे वो फिनोमेना हैं जो इन तीनों लेवल्स में से किसी भी लेवल पे मॉडल में डाले जा सकते हैं थ्रू दीज कर्व्स, जिनको एक्शन डेफॉर्मेशन कर्व्स कहते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट अप्रोच, डायरेक्टली स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ही नॉन लीनियर दे दें, बस आगे छोड़ दें, वो खुद ब खुद ही नॉन लीनियर बनाती जाएगी हर लेवल को। सेकेंड अप्रोच, मटीरियल को लीनियर ही छोड़ दें लेकिन क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टी को नॉन लीनियर एम्फी कर्व डिफाइन करवा दें। थर्ड अप्रोच, पहले दोनों लेवल्स को लीनियर छोड़ दें और मेंबर लेवल पे एम थीटा कर्व डिफाइन करवा दें। ठीक है, सो अब आप इनमें से सिर्फ लीनियर लीनियर को जेन में लाएं जो आपका स्कोप होगा, तो वो तो बड़ा सिंपल है। लेट्स से आप ये अप्रोच यूज़ करते हैं कि आप मेंबर लेवल को डायरेक्टली नॉन लीनियर बना रहे हैं थ्रू मोमेंट रोटेशन कर्व। अगर तो वो जो मोमेंट रोटेशन कर्व आप इनपुट दे रहे हैं वो वही रोटेशन मोमेंट रोटेशन कर्व है जो आपकी नॉन लीनियर मटेरियल प्रॉपर्टीज से बन के आती, तो फिर तो आपकी रिजल्टिंग स्ट्रक्चर स्टिफनेस पहली वाली अप्रोच फाइबर अप्रोच और ये वाली अप्रोच से सेम ही आएगी। ठीक है, क्योंकि आप ये देखें कि अगर मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊं, तो अभी ये जो मैंने तीन चार कर्व्स आपको दिखाई हैं, ई से देखें इलास्टिक में क्या हो रहा है, ई से ई आई बन रहा है, उससे ई आई ओवर एल बन रहा है और उससे फिर के बन रहा है ग्लोबल के। यही चीज़ नॉन लीनियर में कैसे हो रही है, ई की जगह क्या आ गया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ई आई की जगह क्या आ गया मोमेंट कर्वेचर कर्व। इस मोमेंट कर्वेचर कर्व की जो एक इनिशियल स्लोप है वो ई आई है। ठीक है, बिकॉज आपको पता है कि इलास्टिक रेंज में एम इज इक्वल टू ई आई इंटू फी। इससे क्या बन रहा है आगे मोमेंट रोटेशन कर्व एम थीटा कर्व। तो इससे यानी फर्स्ट से ये बना, इससे ये बना और फिर इससे आपके पास पूरे स्ट्रक्चर की लेट से रूफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस ओवरऑल लेटरल फोर्स ये कर्व आ जाएगी पूरी। तो देखें वही चीज़ जो ई ई आई ई आई ओवर एल और के में रिप्रेजेंट हो रही है वो या इन कर्व से रिप्रेजेंट हो रही है कंप्लीट कर्व से। तो लेट्स से कि अगर आपने ये एम थीटा कर्व डायरेक्टली इनपुट कर दिया प्रोग्राम में और आपने वो एम थीटा कर्व वही इस्तेमाल किया जो नेचुरली स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से मिल के बन के आ रही थी, तो फिर तो आप चाहे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को नॉन लीनियर कर दें या डायरेक्टली एम थीटा कर्व इनपुट कर दें, दोनों सूरतों में नॉन लीनियर मॉडल सेम बनेगा क्योंकि आपने वही चीज़ शुरू से एक तरह की नहीं डिफाइन करी, आगे जाके करवा दी, उसका रिजल्ट डिफाइन करवा दिया। और अगर आप ये कोई डिफरेंट करते हैं तो सूरत में ज़ाहिर है दोनों नॉन लीनियर मॉडल डिफरेंटली बिहेव करेंगे। और ज़ाहिर है कि इन सारी तीनों अप्रोचेज में से जो पहली अप्रोच है यानी मटेरियल को ही नॉन लीनियर कर देना, ये ज़्यादा फंडामेंटल अप्रोच है। ठीक है, ये ज़्यादा यूँ समझ लें कि ज़्यादा फिज़िकली दुरुस्त अप्रोच मालूम होती है। ये अलग बात है कि इसके अपने कुछ मसले मसाइल हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें फिर मेंबर लेवल का क्रॉस सेक्शन लेवल का बिहेवियर हमारे हाथ में नहीं होगा। हमने मटेरियल को नॉन लीनियर बनाया और बस अब जो भी उससे आगे मेंबर और क्रॉस सेक्शन लेवल पे फ़र्क पड़ रहा है वो पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ये अप्रोच करते हैं कि डायरेक्टली एम थीटा कर्व इनपुट करवाते हैं तो आप पूरा मेंबर आपके हाथ में है। ठीक है, आप अब खुद सॉफ्टवेयर को बता रहे हैं कि ये पूरी बीम यूं बिहेव करनी चाहिए, इस मोमेंट पे यील्ड करे, इस मोमेंट पे फेल करे वगैरह वगैरह। तो इमेजिन करें कि आपके पास एक एक्चुअल बीम की एक्सपेरिमेंटल मोमेंट थीटा कर्व अवेलेबल है। अगर एक्सपेरिमेंटल मोमेंट थीटा कर्व अवेलेबल हो तो फिर तो ये वाली अप्रोच ज़्यादा फिजिबल लगेगी ना, बिकॉज एक ज़्यादा रिलायबल एम थीटा कर्व है, क्यों ना वही इनपुट दे दी जाए और प्रोग्राम को कहा जाए और स्ट्रक्चर बिल्कुल उस तरह बिहेव करेगा जैसे रियल स्ट्रक्चर करता है। लेकिन अगर ये अवेलेबल नहीं है, एक मटेरियल लेवल की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अवेलेबल है
तो फिर ये पहली अप्रोच आप यूज़ करेंगे, ठीक है। सो लेकिन ये तो अभी सारी आपको ख्याली बातें लग रही होंगी, जब तक हम असल में प्रोग्राम में ना जाएं, वो ऑप्शन ना देख लें जहाँ पे ये कर्व डलेगी, फिर कुछ रिजल्ट्स निकाल के ना देख लें, ठीक है। तो ये सिर्फ अभी कंसेप्चुअल बातें हैं, इसमें मैं आगे जाऊँगा भी नहीं डिटेल में, बिकॉज ये कोर्स में शामिल नहीं है। अगर परफॉर्मेंस बेस्ड डिज़ाइन करना हो तो फिर ये आपका आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि उसमें तो नॉन लीनियर मॉडल बनाना ही पड़ेगा। कोड बेस्ड डिज़ाइन में नॉन लीनियर मॉडल नहीं चाहिए। सो इसको आप क्लोज करते हैं, ये एनालिसिस वाली जो डिस्कशन है। ओवरऑल अगर आप स्कीम देखें, मैं इसको लेट से माइनस वन से लेके एट तक स्टेप्स में अगर डिवाइड करूं, स्ट्रक्चरल आइडियलाइजेशन कि क्लाइंट आपके पास आया, उसने कुछ एब्स्ट्रैक्ट सी बातें की कि वो ये चाहता है, तो आपने कंसेप्शन की, मोस्टली आपका शायद इसमें रोल ना ही हो लेकिन हो भी सकता है। डिस्क्रिटाइजेशन, अच्छा डिस्क्रिटाइजेशन ये है कि रियल स्ट्रक्चर के आपके पास सारा कुछ कंसेप्शन कंप्लीट हो गया, अब आपने उसको फाइनाइट एलिमेंट्स में डिस्क्रिटाइज करना है, ठीक है। आपने ये फैसला करना है कि कौन से एलिमेंट्स किस फाइनाइट एलिमेंट से मॉडल के अंदर रिप्रेजेंट किए जाएं। अब वो आपने कर लिया, तो अब वो चार लेवल्स हैं जो सॉफ्टवेयर में आपने इनपुट देने हैं जिनसे के बनेगा। वो क्या है? मटेरियल क्रॉस सेक्शन मेंबर स्ट्रक्चर। ये अभी आपने देख लिया कि इनको डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना है। इसमें आपको ई पॉइजन रेशियो जी वगैरह डिफाइन करना है, इसमें ए और आई डिफाइन करना है यानी क्रॉस सेक्शन की डायमेंशंस बतानी है, इसमें मेंबर्स को ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चर में यूँ समझ लें कि उन मेंबर्स को आपस में कनेक्ट करना है, उसकी पूरी ज्योमेट्री कंप्लीट करनी है, जो बाउंड्री कंडीशंस हैं, रिस्ट्रेंट्स हैं, सपोर्ट्स, वो प्रोवाइड करनी है। ये जब फोर तक आप पहुँच गए तो मॉडल कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने एफ वैक्टर बनाना है, यानी दूसरे मानों में मॉडल के ऊपर लोडिंग अप्लाई करनी है, वो स्टैटिक भी हो सकती है, डायनामिक भी हो सकती है। स्टैटिक होगी तो एक फिक्स नंबर होगा, डायनामिक होगी तो एक फंक्शन ऑफ टाइम होगा। फिर आप जब ये लोडिंग भी लगा देंगे, फिर आप मॉडल को रन करेंगे। सो इसमें के यू रन होगा अगर आप स्टैटिक एनालिसिस करते हैं, अगर डायनामिक करते हैं तो ये कंप्लीट इक्वेशन होगी। उसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग होगी, यानी यू कैलकुलेट होके आ गया, अब इससे दोबारा बैक कैलकुलेट होंगी इंटरनल फोर्सेस, यानी लोकल फोर्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट्स के अंदर, शीयर मोमेंट वगैरह वगैरह। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें, और जाहिर है कि ये अब डिज़ाइन एक्शन आ गए, इसके बाद अब डिज़ाइन प्रोसेस स्टार्ट होगा, वो नंबर एट पे मैंने लिख दिया। अब इसमें जो चीज़ें ब्लू बॉक्स में हैं, ये तो प्योरली हमारा काम है, स्ट्रक्चर की आइडियलाइजेशन और डिस्क्रिटाइजेशन। इसमें तो प्रोग्राम हेल्प नहीं करेगा, ये तो फैसला हमने करना है, मोस्टली ये चीज़ें फिक्स ही होती हैं। उसके बाद ये ग्रीन जो है, ये वो चीज़ें हैं जो हमने सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड करनी है। तो के मैट्रिक्स बनाने के लिए जितनी इनपुट्स हैं वो हमने करनी है, एफ वेक्टर बनाने के लिए जो इनपुट्स हैं, जो लोडिंग है, वो हमने देनी है। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रोग्राम खुद ही हमारे लिए करेगा, और वो है एनालिसिस रन करेगा, सॉल्व करेगा इक्वेशन को, और लोकल फोर्सेस डिज़ाइन एक्शंस हमें दे देगा, ठीक है। और उसके बाद हम फिर उन डिज़ाइन एक्शंस को इस्तेमाल करेंगे डिज़ाइन में। अब आजकल के प्रोग्राम तो ये काम भी खुद ही कर देंगे, तो एट को भी मैंने असल में यही लिखा है कि एफ ई सॉफ्टवेयर हमारे लिए करेगा, बट असल में देखा जाए तो ये मिक्स है। कुछ काम मैंने जैसे बताया कि अप्रोचेस डिफरेंट हैं, कुछ डिज़ाइन ऑफिसेस ये काम मैनुअली करते हैं, कुछ इसको फुली ऑटोमेट करते हैं, कुछ इसको मिक्स करते हैं, ठीक है। सो ये जो एट के ऊपर मैंने लिखा है, ये क्वेश्चनेबल है, ये हो सकता है प्रोग्राम से आप करें, हो सकता है कि वो आप खुद करें, बिकॉज इसमें कई डिसीजन लेने होंगे। फॉर एग्जांपल प्रोग्राम, अब लेट से किसी खास नंबर की बार अवेलेबल ही नहीं है आपके पास, अब ये प्रोग्राम को कैसे बताएंगे आप? मे बी कुछ इंटेलिजेंट प्रोग्राम हो जिनमें ये फैसिलिटी हो कि आप कुछ डिज़ाइन के ऊपर कंस्ट्रेंट्स लगा सकें कि ये मेरी प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स हैं, इनका ख्याल रखते हुए डिज़ाइन करो। मोस्टली वरना क्या होता है कि एक फ़्लो चार्ट की तरह प्रोग्राम एक प्रोसेस रन करता है और उसमें जो स्टील की अमाउंट है वो आपको कैलकुलेट करके दे देता है। सो
इस डिस्कशन को अब एंड करेंगे यहीं पर ही। लास्ट में मैं चले एक ये चीज़ डिस्कस करता हूँ, वो ये है कि अगर आप ये देखें कि आपने एक एक्शन से स्टार्ट किया, लेट से कि आपके पास कोई मोमेंट है, ठीक है, एक एक्शन है, क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज़ के साथ जब वो एक्शन मिलेगा तो वो एक स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो असल में देखा जाए तो ये जो स्लाइड है ये वही दो अप्रोचेज आपको बता रही हैं जो शुरू से मैं डिस्कस करता आ रहा हूँ इस कोर्स में, कि आप एक तो काम ये कर सकते हैं कि एक्चुअल स्ट्रेसेस अप्लाइड एक्शंस की वजह से कैलकुलेट करें और उनको अलाउएबल स्ट्रेसेस से कंपेयर कर लें और देख लें कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी, नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या बनता है। दूसरा अप्रोच ये हो सकती है कि आप इंटरनल स्ट्रेस रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लें, यानी कैपेसिटीज़ डायरेक्टली कैलकुलेट कर लें अवेलेबल मटेरियल और क्रॉस सेक्शन साइज वगैरह को इस्तेमाल करके, और फिर उनको डायरेक्टली एक्शन से कंपेयर करके फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल लें। सो मैं आपको मोमेंट की मिसाल देता हूँ। लेट्स से मोमेंट है मेरे पास, कोई एक्शन है, ठीक है, एम मोमेंट। इसको मैंने अभी हम देखेंगे अभी आगे कि इस मोमेंट से हम एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट, सॉरी बेंडिंग स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। सिग्मा जो है एम वाई ओवर आई, अगर आप वो बेंडिंग स्ट्रेस देखें वो है एम वाई ओवर आई, उसमें ज़रा देखें कि किन चीज़ों का रोल है, आई का रोल है, वाई का रोल है, ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आपने अप्लाइड एक्शन से एक इंटरनल स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया जो अप्लाइड स्ट्रेस है मटेरियल लेवल पे, ठीक है, और उस सिग्मा को अलाउएबल से कंपेयर कर लिया, ठीक है। अलाउएबल स्ट्रेस हो सकता है कोई हो 0.8 टाइम्स ऑफ एफ सी प्राइम, तो आप इस सिग्मा को उससे कंपेयर करके एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल लेंगे। तो एक तो अप्रोच ये की जा सकती है, बार बार यूज़ भी होती है। दूसरी, और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये, मैं क्यों दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ पॉइंट, बिकॉज क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल देखें कहाँ पे है, यानी जब भी एक्शन को मेंबर लेवल से मटेरियल लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, पीछे लाना पड़ेगा, दरमियान में क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल होंगी क्योंकि दरमियान में क्रॉस सेक्शन लेवल पड़ता है। तो एक मोमेंट है जो बीम पर आ रहा है, उस मोमेंट से उस बीम के मटेरियल स्ट्रेसेस निकालने हैं, तो बीम से मटेरियल पे जाना है, बीच में क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज़ का रोल है, ठीक है। तो सिग्मा को, यानी एम को जब सिग्मा में कन्वर्ट करना है तो आई का और वाई का रोल है जो क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आप कभी भी ये हायरार्की तोड़ेंगे नहीं, आप जब भी ये किसी भी स्ट्रक्चरल एनालिसिस के फार्मूला में देख लें, आपको ये हायरार्की नज़र आएगी, मटेरियल क्रॉस सेक्शन मेंबर, चाहे मेंबर से पीछे आए चाहे मटेरियल से आगे जाएं। दूसरी अप्रोच क्या है कि आप स्टार्ट ही मटेरियल से करें, किसी अलाउएबल स्ट्रेन प्रोफाइल, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेन आप अपने मटेरियल को दे सकते हैं, उससे स्टार्ट करें, उससे स्ट्रेस प्रोफाइल बनाएं, यानी आप कहें कि ये वो मैक्सिमम एप्सिलॉन है जो मेरा स्टील ले सकता है, ये वो मैक्सिमम एप्सिलॉन है जो मेरा कंक्रीट ले सकता है, ये प्रोफाइल बन गई, इस प्रोफाइल से स्ट्रेस प्रोफाइल बनाएं, तो क्या होगा, ये वो मैक्सिमम स्ट्रेसेस हैं जो आपका मटेरियल ले सकता है, उन स्ट्रेसेस, स्ट्रेस प्रोफाइल को इंटीग्रेट करें, यानी उसका एरिया निकाल के रिजल्टेंट लगा दें, तो फोर्स प्रोफाइल बन गई, ठीक है, और उस फोर्स का सम ले लें तो बेसिकली वो स्ट्रेस रिजल्टेंट कहलाएगा, एम एन बन जाएगा वो बेसिकली। इस एम एन को उस एम से, जो यहाँ पर मोमेंट था एक्शन, उससे कंपेयर करके एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल लें। अच्छा, इसमें भी आप देख लें, इस पूरे प्रोसेस को जहन में लाएं, तो क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज़ का रोल है। अब आप क्या कर रहे हैं, मटेरियल से उठ के डायरेक्ट मेंबर पे जा रहे हैं, तो रास्ते में क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज़ चाहिए, यानी स्ट्रेस प्रोफाइल बनेगी तो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ चाहिए, ठीक है, इसी तरह क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस चाहिए, ठीक है। सो क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज़ रास्ते में आएंगी हमेशा, जब भी आप एक लेवल से जंप करेंगे उस पर। तो इसका मतलब है कि अगला हमें स्टेप जो पढ़ना चाहिए वो ये पढ़ना चाहिए कि मटेरियल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जो मोस्टली मैंने अभी डिस्कशन में कवर कर दी है, लेकिन दोबारा भी करूँगा, वो स्लाइड्स भी आपको क्विकली दिखा देता हूँ।
और उसके बाद फिर हमें क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसमें असल में डिज़ाइन यही है कि वो क्या एक्सेप्टेबल क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं जो इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इंश्योर करेंगी, ठीक है। ये चीज़ है ना जो मेन, जिनके दरमियान कंपैरिजन है, और इस कंपैरिजन में एक चीज़ है, क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज़ एक चीज़ को अफेक्ट कर रही है, तो लिहाजा हमने ये एक्सेप्टेबल क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेट करनी है। इस डिस्कशन को मैं स्किप करता हूँ, ये वही डिस्कशन है। ये असल में ये है कि ये चार किस्म के रिलेशनशिप्स हैं जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में बार बार इस्तेमाल होंगे। एक्शन डेफॉर्मेशन, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, डेफॉर्मेशन स्ट्रेन रिलेशनशिप, यानी देखें जब आपके पास U कैलकुलेट होके आ गया, स्ट्रक्चर की हर नोड के ऊपर डिस्प्लेसमेंट आ गई, अब आपने पोस्ट प्रोसेसिंग करनी है, इससे बैक कैलकुलेट करना है मटेरियल स्ट्रेस जो अप्लाइड लोडिंग ने कॉज किया, या इंटरनल एक्शंस, बेंडिंग मोमेंट, शीयर और बाकी चीज़ें, तो उसमें इन रिलेशनशिप्स का रोल है। स्ट्रेस स्ट्रेन तो आपको पता ही है कि जब इंटरनल स्ट्रेसेस आ गए तो फिर उनको स्ट्रेन्स में कन्वर्ट करना, और फिर एक है स्ट्रेस रिजल्टेंट और एक्शन, ये बेसिकली लूप को क्लोज कर रहा है कि स्ट्रेस रिजल्टेंट असल में इंटरनल कैपेसिटी है MN, और एक्शन असल में MU है। तो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो बेसिकली फैक्टर ऑफ सेफ्टी ही है, ठीक है। सो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी डी जो है ये इंश्योर करेगा। ये वही डिस्कशन है कि मटेरियल लेवल पे प्राइमरी कर्व आपकी ये है, सेक्शन लेवल पे मोमेंट कर्वेचर है, मेंबर लेवल पे मोमेंट रोटेशन है, और स्ट्रक्चर लेवल पे कोई भी अप्लाइड फोर्स और रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट स्ट्रक्चर लेवल की डिस्प्लेसमेंट हो, यानी कि जैसे रूफ डिस्प्लेसमेंट फुल पूरे स्ट्रक्चर की एक क्वांटिटी हो। एंड पर सिर्फ एक ये चीज़ देख लें कि ये जो F इज इक्वल टू के यू की इक्वेशन है, हर एक्शन और डेफॉर्मेशन को रिलेट करने वाली एक्सप्रेशन स्ट्रक्चरल एनालिसिस में वो इसी शक्ल की है कि कोई एक्शन होगा और उसकी कोई डेफॉर्मेशन होगी और वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी से रिलेट हो रही होगी। इसी को इन्वर्स कर लें, ये स्टिफनेस रिलेशनशिप कहलाता है, इसको इन्वर्स कर लें तो वो फ्लेक्सिबिलिटी रिलेशनशिप हो जाएगा, यानी यू इज इक्वल टू एफ ओवर के। तो वन ओवर के को आप समझ लें एक फ्लेक्सिबिलिटी कांस्टेंट है जो यू को एफ के साथ रिलेट कर रहा है। तो फ्लेक्सिबिलिटी काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स में डेफॉर्मेशन जो है वो एक्शन के साथ रिलेट हो रही होगी और डिनोमिनेटर में कोई कांस्टेंट क्वांटिटी हो, और एक्शन डेफॉर्मेशन में ये होगा कि एक्शन एक साइड पर होगा, डेफॉर्मेशन के साथ कोई कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है। इसकी कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स देख लें, बड़ी बेसिक एग्जांपल है। अप्लाइड लोडिंग पी अगर हो एक्सियल लोड और उसकी वजह से कोई एक्सटेंशन डेल्टा प्रोड्यूस हो रहा है, एक फिक्स्ड एंड है इस तरफ लेट से और ये फ्री एंड है लेट से, तो हमें पता है कि डेल्टा इक्वल होता है पी एल ओवर ए ई। ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली हमें हुक्स लॉ से अवेलेबल है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से भी अवेलेबल है। तो देखें डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा एक डेफॉर्मेशन है, पी उसका एक्शन है, एल ओवर ए ई एक कांस्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर आप एक कैंटिलीवर बीम लें जिसके ऊपर कोई वी फोर्स लग रही हो एंड पे और उससे कोई स्मॉल डेल्टा प्रोड्यूस हो रहा है डिफ्लेक्शन, तो वो स्मॉल डेल्टा वी के साथ इस फार्मूला से रिलेट होगी, डेल्टा इज इक्वल टू वी एल क्यूब ओवर थ्री ई आई। अब ये क्लोज्ड फॉर्म एनालिटिकल एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन इनकी फॉर्म ज़रा चेक करें कि डेफॉर्मेशन इज इक्वल टू सम एक्शन डिवाइडेड बाय सम कांस्टेंट क्वांटिटी, सेम फॉर्म है, ई आई कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है। अगर इस टिप पॉइंट के ऊपर मैं टेंजेंट लेके उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल ले लूँ तो ये रोटेशन बन जाएगी, रोटेशन अल्फा इज इक्वल टू वी एल स्क्वायर ओवर टू ई आई। वही सेम चीज़ के रोटेशन एक डेफॉर्मेशन है, वी की वजह से प्रोड्यूस हुई है और उसकी फॉर्म इक्वेशन की वही है। यही मामला अगर फोर्स ना होती, बेंडिंग मोमेंट होता, तो जो उसकी वजह से एंड के ऊपर डिफ्लेक्शन और रोटेशन प्रोड्यूस होती उसमें भी वो देखें एम रिलेट कर रहा है डेफॉर्मेशंस के साथ थ्रू सम कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। सो वही एक्शन और डेफॉर्मेशन। अब अगर इन सब इक्वेशंस को प्लॉट करें तो स्ट्रेट लाइन आएगी आपके पास हर एक केस में, क्योंकि एक्शन और यानी डेफॉर्मेशन के दरमियान हमेशा कांस्टेंट्स हैं, एक ख़ास बीम के लिए, एक ख़ास
सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज़ के लिए। तो ये सारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस हैं, ये भी देख लें वही है। अब ये एक ऐसा केस है जिसमें दोनों V और M लग रहे हैं, तो देखें V और M को रिजल्टिंग डेफॉर्मेशन के साथ रिलेट करने के लिए इनके साथ कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अल्फा भी देख लें, कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक एग्जाम्पल और देखें जिसमें टॉर्शन अप्लाई हो रही है, और टॉर्शन की डेफॉर्मेशन क्या है, ट्विस्ट एंगल। तो उनके दरमियान भी जो क्लोज फॉर्म फार्मूला अवेलेबल है वो सेम फॉर्म है। टी और थीटा असल में मेन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं रिस्पेक्टिवली। एल, जे और जी कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज हैं। ये तो थी कुछ ऐसी जिनमें डेफॉर्मेशन को एक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ था। अब इन्हीं का ऑपोजिट भी देख लें कि अगर एक्शन और डेफॉर्मेशन के दरमियान लिखें तो भी वही चीज़ बन जाती है। इन एक्सप्रेशन से भी आप वाकिफ हैं असल में। ये वही चार पांच एग्जांपल्स हैं, फ़र्क सिर्फ ये है कि अब यहाँ पे वी को लिख लिया है डेफॉर्मेशन और रोटेशन की शक्ल में, लेकिन रिलेट असल में कॉन्स्टेंट्स ही कर रहे हैं। असल में अगर आप सोचें जो के मैट्रिक्स आप बनाते हैं, लोकल के मैट्रिक्स, वो इसी तरह की इक्वेशंस ही तो होती हैं। छः इक्वेशंस होती हैं जिनको आप सिंपली इस शक्ल में लिख लेते हैं कि एफ़ वैक्टर इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट्स का मैट्रिक्स इंटू यू वैक्टर, और फिर इस कॉन्स्टेंट्स के मैट्रिक्स को आप के लोकल कह देते हैं ना। तो के लोकल का तो कॉन्सेप्ट ही यूँ आया है कि ये उन कॉन्स्टेंट्स पर मुश्तमिल एक मैट्रिक्स है जो एक्शन को डेफॉर्मेशन से रिलेट करती है, ठीक है। सो ये 6EI/L² 12EI/L³ ये सारे वो कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, जो कि मैट्रिक्स फॉर्म में जब लिखे जाते हैं तो वो एक अरेंज होके के लोकल बना देते हैं। लेकिन असल में ये सारी डिस्कशन करने के बाद मैं फिर एंड इसी बात पे करूँगा कि रियल एक्शन डेफॉर्मेशन कर्व जो है वो नॉन लीनियर होती है। ये सारी जो रिलेशनशिप हैं, स्टिफनेस रिलेशनशिप और फ्लेक्सिबिलिटी रिलेशनशिप, ये उसके लीनियर पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। कंप्लीट पिक्चर आपको हमेशा एक पूरी कर्व से मिलेगी, और उस कर्व में दो चीज़ें शामिल हैं। एक कहलाती है बैकबोन। सो बैकबोन का मतलब है कि ओवरऑल अगर एक ही दफ़ा मटेरियल को स्ट्रेस कर दिया जाए तो वो बिल्कुल एंड तक फेल कर दिया जाए तो क्या बिहेवियर फॉलो करेगा, मटेरियल हो जाए, क्रॉस सेक्शन हो जाए, मेंबर हो जाए, जो भी है। तो ये जो रेड लाइन है ये बैकबोन है। ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रही है हिस्टोरेटिक रूल को या साइक्लिक बिहेवियर, यानी ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन का सेट है जो प्रोग्राम में आप डालेंगे ये बताने के लिए कि अगर इस पॉइंट से अनलोड हो तो किस स्टिफनेस पे अनलोड हो, इस पॉइंट से अनलोड हो तो किस स्टिफनेस पे हो, अगर यील्ड होने के बाद अनलोड हो तो किस स्टिफनेस पे अनलोड हो। ये सारी चीज़ें प्रोग्राम को आप एक रूल के तौर पे बता देंगे डायरेक्टली, उसको कहते हैं हिस्टोरेटिक रूल। यानी आप एक टेम्पलेट दे देंगे, एक शेप दे देंगे कि जब भी अनलोड हो, रीलोड हो, इस शेप को फॉलो करो, ठीक है। तो इसका मतलब है जो कंप्लीट रिस्पॉन्स होता है मटेरियल का, मेंबर का और क्रॉस सेक्शन का, वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक बैकबोन कर्व जो कि ओवरऑल एक तरह की एनवेलप है, और दूसरी है हिस्टोरेटिक रूल। और जब आप क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशंस यूज़ कर रहे हैं, के मैट्रिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, FEM कर रहे हैं, तो आप बेसिकली मटेरियल को, हर चीज़ को इलास्टिक मान रहे हैं, अनलेस के आप ये एक्चुअल कर्व्स भी इनपुट दें साथ। अगर वो नहीं देते तो मॉडल इलास्टिक है, मॉडल F = KU पे चल रहा है, ठीक है।